जुलू को पहले तो आती नहीं थी और आज गाड़ी खरीदी वैगन गा यार मैं तो उसमें फटका आएगी आप बहुत अच्छी एजुकेशनल फैमिली से बिलोंग करते हो और एजुकेशन चलती रहती है यू योर सेल्फ अ वेरी हाईली एजुकेटेड आई नो दैट थोड़ा बहुत क्रिकेट से बैलेंस करना पड़ता है बट <laughs> जो आपका प्रेजेंट रोल है एज डीएसपी वेयर यू आर सीन एज अ इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑब्वियसली यू आर यू यू गॉट अ वेरी गुड पोजिशन हम अगर सिर्फ डीएसपी को देखें एंड देखें लाइक यू आर देर इन पुलिस हरमन इज देर इन पुलिस डू यू एवर कोरिलेट बिटवीन क्रिकेट एंड दिस जॉब या कोई सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है सब कुछ देखो बस शुरुआत करूं अगर तो आ, मतलब जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला कि कैसे मैं डिफ्रेंश करूँगा मैं बाद में करूँगी बट उससे पहले आ, जब आप उस मतलब ऐसी फैमिली से आते हो ना जहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर फिर आ, और आपकी मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सारे लोग एजुकेशन आ, मतलब टीचिंग लाइन में तो शायद आपको भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर प्रेशर सब बन जाता है खुद से कि आपको भी शायद करियर ऑप्शन यही रहेगी है ना तो मेरे को भी लग रहा था और जैसे आपको पता है मैंने सत्रह साल में खेलना शुरू करा राइट और उस टाइम तक अभी तो लोग डेब्यू कर रहे हैं यार राइट डेब्यू right? कर रहे हैं मींस वो आठ नौ साल पहले से शुरू कर चुके हैं खेलना ठीक है तो उस टाइम तक मेरे को मेरा क्रिकेट की ओर बहुत ही लीस्ट मेरे को दिखता था कि शायद ये मेरे लिए करियर ऑप्शन right. या मैं प्रोफेशनली इसमें जाऊँगी या आज आ, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल जिस पोजिशन पर हूँ यहाँ पहुँच पाऊंगी या नहीं ये चीजें तो थी नहीं गई विजन में बट जब मैं अंडर नाइनटीन खेल रही थी हिमाचल के लिए हुँ. तो जैसे कि आपने आपको पता ही है स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है हुँ. हमारे सिम्टम कुछ अलग ही होता है, बचपन बच बच तो घर वालों को पता लग जाता है ये तो कोई तो खुरा पाती है ठीक है इसने कुछ अलग से नाम डुबोना है बनाने वाली तो बहुत बाद की बात होती है ठीक है इसने डुबोना है नाम तो वो वो वैसा मेरे को बहुत अच्छे से याद है मेरे दादाजी का मे, मेरे ऊपर बहुत हाथ रहा है मेरे को बनाने में या मेरे को बिगाड़ने में चाहे वो क्रिकेटर बनाने में मतलब उन, उन, उनकी वजह उनके साथ में टी देखना मैच देखना कॉमेंट्री सुनना रेडियो पर तो उनका और मेरी मम्मी का हमेशा मेरे को लेके ये था कि ये किस दिन ऐसी न्यूज़ आएगी जहाँ से ये सुनने को मिलेगा कि चलो जी आपकी बेटी ने ये कर दिया आपकी नाक हो गया तो जब उस स्टेज पे थी ना कि यार अभी क्रिकेट में भी घुस गई गयूँ पढ़ाई का भी प्रेशर है पढ़ाई भी मुझे मेंटेन करनी है तो मैंने ना इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं कहूँ इस इस चैलेंज को वो चैलेंजिंग अच्छा टाइम ना तीन साल जो कॉलेज के थे मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया पढ़ाई भी क्योंकि नहीं पता था यार आप क्रिकेट में आगे जाओगे नहीं उस लेवल तक पहुँचोगे कि नहीं क्योंकि आपका वो प्राइमरी गोल नहीं था गोल कैसे होगा आप ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ क्रिकेट के लेके मतलब अब जाके अकेडमीज अब जाके लोगों को अवेयरनेस हुई है क्रिकेट को लेके मैं पंद्रह साल पहले की बात करी कुछ भी पता नहीं मुझे नहीं, नहीं।, नहीं पता था तीन साल खेलने तक भी सिस्टम का पता नहीं था यार आके नेट्स करने हैं नॉकिंग करनी है प्रैक्टिस कर फर्स्ट जेड सी लगाया तब जाके चीजें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिला कि अच्छा ये भी चीज़ें होती है तो वो वो टाइम अलग था तो अंडर नाइनटीन में जब खेल रही थी सेकेंड सीजन था तो मेरे को था कि यार पुलिस की भर्तियाँ निकल रही है कॉन्स्टेबल है ना और और आप जब प्लस टू अभी आप निकले ही हो तो उसके बाद आपके लिए ये ऑप्शन है क्योंकि ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आप और ऊपर के रैंक पे आपने उतनी पढ़ाई कर ली हो वो हो नहीं रही थी उस टाइम आपका दोनों साइड ध्यान था तो मैंने पुलिस की भर्ती देने में धर्मशाला अकेडमी में थी मैं वहाँ से बाईब रात को शिमला पहुँची मेरी डिस्ट्रिक्ट शिमला है तो शिमला पहुँच के मैंने भर्ती दी मुझे आज भी याद है वो डी थे उस टाइम पर उनकी बेटी अब आई है और वो रिटायर हो चुके हैं अभी आई डोंट रिम्बर हिज़ नेम तो उन्होंने ना मेरी फाइल रख ली वो वो भर्ती भर्ती के के टाइम में 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 मिड आए दिन जैसे 11 12 बजे करीब तब तक मैंने ग्राउंड के तीन चार टेस्ट दे दिए थे और ग्राउंड में मतलब टेस्ट मेरे लिए तो क्या था कि चलो जी मतलब और सारे देख रहे हैं कि यार ये गलत आई है भर्ती नहीं गलत है हमारे साथ ये कुछ एक्स्ट्रॉडनरी कर रही है ग्राउंड में और हम कहीं पर भी, भी आपको पता ही है, हाँ, है ना? तो Uh, उस टाइम पे उन्होंने मेरी फाइल रख ली और उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी कोई न्यूज़ में आ रहे थे या किसी को बड़ा पता था मैं कोई क्रिकेट खेल अब कहाँ कवरेज होती थी यार उस टाइम पे अंडर 19 खेल रहे हो सिर्फ स्टेट के लिए अभी तक मुझे शायद मैंने पहला इंटरव्यू भी नहीं दिया था उस टाइम तक हुँ। तो म, कुछ लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये क्रिकेट खेल रही है और वहां तक बात पहुंच गई वो इंस्पेक्शन करने आए कि भर्ती कैसे चल रही है वो मेरी फाइल ले गई उनके साथ में तीन चार लोग और थे अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस नहीं मिले हैं वो ओरिजिनल नहीं थे डुप्लीकेट वो सारे फाइल ले गए और आ, कह रहे कि आप ये भर्ती देके ना हमें वो मत करो आपको हम आप खेलो अभी ठीक हाँ। है आपका कुछ ना कुछ जरूर बनेगा आप हाँ। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि आप ये थोड़ा सा डिग्रेडेबल है कि आप कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आ रहे हो और आप जिस लेवल पे खेलो आप वहाँ खेलते रहो और मेरे को ना वो उस टाइम नहीं समझ आया तो अपॉर्चुनिटी थी और 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 तो सबको लगता ही है और तो मेरा रिटर्न तो हो होना है क्योंकि घर वालों को वो उस लेवल पे समझेंगे नहीं ये क्या है फाइल ले ली तूने कुछ नहीं बोला और जबकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ऑफिसर्स से कैसे बात करनी है उस लेवल पे कैसे चीजें कंडक्ट खुद को कैसे कंडक्ट करना है वो नहीं पता होता आपको ठीक है चलेगी फाइल वापस क्रिकेट खेलना आप खेल रहे हो अभी पढ़ाई से भी थोड़ा सा हट के क्योंकि एच में क्रिकेट की टीम हाँ, नहीं है तो वो एग्ज़ाम्स के साथ क्लैश कर रहा था मैचेस खेलने जाना तो पढ़ाई को अभी थोड़ा सा पीछे कर दिया ब्रेक लगी मैंने आ, फर्स्ट सेमेस्टर एम के एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद रिजल्ट भी नहीं देखा दो दिए थे तीन रहते थे अभी फिर साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए जब मेरा डेब्यू हुआ था तो Uh, hmm. hmm. uh, 2014 में 2013 में बांग्लादेश uh, के साथ खेल चुकी हाँ, थी ऑलरेडी बट वनडे के लिए जाना था राइट right. तो so, वो टाइम था उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा बट एक चीज़ है कि आ, जो ये 2017 वाला वर्ल्ड कप था आ, वो जो हमारा एज अ ग्रुप एज अ टीम जो वो कैंपेन था ना मतलब वो ना सिर्फ हमारे लिए शायद वुमेन क्रिकेट के लिए आपको भी पता है आप भी वहीं थे है ना आपने भी सारे मैचेस देखे और आपने भी आप भी रोज़ हर मैच के बाद है ना आप में भी वो जो जुनून होता था कि करो करो यार यार्ल गई थी मैच के बाद सीन बहुत... <laughs> जब अरमन को घड़ी मिली घड़ी दिखा आपको याद है मैं, मैंने आपको बोला कि मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है यार हटो हटो आप हाँ। जाओ 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 आपको जाने दो पहली बार हाँ, हमार से जब बात करेगा। यू जस्ट डिटोर गया एक हाँ। बैठी थी एक तो राजेश्वरी ऐसे पता नहीं क्या लगे हुए थे दोनों फोन पे और वहां हरमन बैठी हुई थी ऐसे फीडबैक पर लीन करके दीदी ये देखो घड़ी मैं कह रही आप थोड़ी उतरेगी काफी <laughs> अच्छी देखो वो भी दौर था और आज हाँ, और आज किस हाँ, लेवल पे चीजें पहुंच गई बिल्कुल वो बात हाँ तो वो वाला कैंपेन के बाद जो चीजें हुई है और इन बिटवीन में रेलवेज में थी तो रेलवेज भी मैंने लास्ट में तब जाके ज्वाइन किया रेलवेज की ऑफर भी वो पुलिस वाली भर्ती के बाद रेलवेज के लोग आपको पता ही है पीछे कैसे पड़ जाते हैं जिन जो लगता है उनको हाँ, कि फिगर अमंग वो उस टाइम पे बहुत 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 एक्सपोजर और एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्योंकि क्रिकेट में कुछ नहीं थी यार क्रिकेट मैच फीस क्या थी ठीक है तो घर वालों थी। को एटलीस्ट ये बोलने को हो गया था कि यार मुझे खेलने दो मुझे सैलरी भी मिल रही है हाँ। नहीं मांगूंगी मैं आपसे पैसे या फिर आप सोच आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि मैं अभी फाइनेंशियली स्टेबल हो रही हूँ और ये गवर्नमेंट जॉब है स्टेट गवर्नमेंट नहीं है आपकी सेंटर है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो थोड़ा सा था कि चलो ठीक है अच्छा अब खेलना है तो अभी उसके बाद से परेशान तो पहले भी नहीं करा उसके बाद से थोड़े से वो ऐसे बैठ गए कि चलो अब नाक काटेगी भी तो चलो ठीक है तो नौकरी तो मिल गई नौकरी तो मिल गई ठीक है।, है और वो भी ठीक पोजीशन थी बिकॉज ऑलरेडी आप इंडिया प्लेयर थे उस समय बिल्कुल बिल्कुल तो वो मैनेजर ऑफिसर ग्रेड पे थी गई नौकरी Uh, नहीं मैंने एज ए टिकट एग्जामिनर टी 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 शुरू yes. उससे शुरू करा था बट तीन साल में रही, आगे। आगे। शायद आज तक और ऊपर मतलब इंडिया के ऑफिसर ग्रेड इंडियन सिक्योरिटी सिक्योरिटी आ गई थी, आगे थी।

शायद ये पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा था मुझे हाँ, तो नहीं कुछ पता हाँ, और हाँ, जब हाँ, मैं वापस आई हूँ तो मुझे बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों की स्टेटमेंट्स थी है ना फिर इस तरीके से भी कि मैं हिमाचल से फर्स्ट प्लेयर हूँ मैन वेमेन बोथ तो और फिर वर्ल्ड कप में हम जिस जिस तरीके से खेल रहे थे और खेलने से ज्यादा जिस तरीके से इंडिया में वो एकदम से फॉलोइंग बिल्कुल

Uh, मतलब घर वाले कि क्या करना है शायद घर क्योंकि हमेशा मैंने खुद के डिसीजंस खुद लिए हैं तो पापा ने मेरे को पूछा कि क्या करना है मेरे को वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं सी ऑफिस से uh, बता कैसे मैंने बोला उनको लग रहा था शायद मैं मना कर दूंगी क्योंकि जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया मैंने उनको सबसे पहले ये बताया था कि आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस क्रिकेट वाइज आई मीन वेरी सेफ हैंड्स सेफ हैंड्स इन द सेंस कि यार मैं अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल रही हूँ अब अब उन प्लेयर के साथ खेल रही हूँ एकता विश्व राजेश्वरी पूनम यादव इंडिया के बेस्ट स्पिनर्स है इस टाइम पे right. और उनको मैं कीपिंग कर रही हूँ तीन तीन घंटे में उनको प्रैक्टिस कर रही हूँ मुझे और क्या चाहिए right. जूलन गोस्वामी मिताली राज सब लोग मेरे सामने खेल रहे हैं मैं उनके साथ हूं हमेशा hmm. तो मैं उस एटमोस्फेयर में रह रही हूँ तो मेरे को लगता क्रिकेट वाइज मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छा कुछ है तो दैट वे उनको लग रहा था कि ये नहीं छोड़ेगी तो पापा ने मतलब थोड़ा थोड़ा सा होता है ना जो पेरेंट्स का तरीका होता है बच्चों को इनडायरेक्टली पूछने का या समझाने का अपनी बात पहुंचाने का कि अच्छी वो चीज़ है स्टेट गवर्नमेंट है अपना है सेफ है रेलवेज में कब तक बाहर बाहर ही रहेगी तुमने कब तक क्रिकेट खेलनी है उसके बाद भी तो घर आओगे हम हैं ये वो इमोशनल भी नहीं बोला आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नहीं ज्वाइन ठाट से ज्वाइन करूंगी यार रुको जरा अच्छा हाँ बोला ही नहीं था। नहीं बोला था क्योंकि उसमें ये था कि आप एक्सेप्ट करोगे बिकॉज अपॉइंटमेंट लेटर दिया फिर एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने हाँ, बुलाया हाँ, वो टाइम में। था क्योंकि आप रेलवे तो मतलब में। में हाँ हाँ। रेलवे दो तीन साल लगातार जीता और हम और उसके बाद उसके बाद रेलवे हारा फिर मतलब वो सीजन बैक टू बैक दो बार टी ट्वेंटी हारे मतलब फिर ऐसे लग रहा था की यारेट तो हम भी है जब डीएसपी में ना मतलब मैंने जो अखबार में तो सिर्फ कटिंग आती है ना फोटोग्राफ आई हरमन की आई कि सीएम इज पुटिंग द ऑनर्स ऑन हर शोल्डर आपकी भी आई थी मतलब एक हम देख रहे हैं और एक आप उस समय फील Feel कर ले, रहे हो राइट मस्ट हैव बीन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या मतलब उससे भी अगर ज्यादा एक्सप्लेन हाँ, करने के लिए कोई वर्ड और वो, वो फीलिंग आपको आज भी याद होगी कि मतलब ऐसे रोंग टेक टे खड़े होने वाले कि यार मेरे यहां पे ठंडो शिमला में डबल कि यार <laughs> लेकिन पसीना फिर भी आ रहा होगा पसीना फिर भी आता है और यार उस टाइम पे आपको मैं बताऊं दीदी इसको मत लेना कट हाँ तो क्या हुआ जब फर्स्ट डे में गई ना मतलब ये चीज़ ले लेना जो मैं अब बोल रही हूँ मतलब अगर कॉन्फिडेंस हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ आज मैं पहली बार ये बात आपके सामने बोल रही हूँ अगर एज अ पर्सनैलिटी वाइज खुद को कैरी करना है ना वो ना मैंने चुपके चुपके आपसे सीखा है राइट हाउ टू बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज़ गॉट दैट क्वालिटी कि आपको चार लोगों में खड़े होकर के बात कैसे करनी है सिंपल कि कैसे कंडक्ट करना है ख़ुद को राइट right? सो so, उसके लिए uh, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है योर आर ऑफ अब कैसा आपका बैकग्राउंड है आपको आपके एटिकेट्स घर पे आपका उठना बैठना कैसा है राइट आपका सर्कल कैसा है आपकी एजुकेशन ठीक है आपकी स्कूलिंग उसका बहुत फ़र्क पड़ता है मैं आपकी जितनी नहीं है बट कहीं ना कहीं जो चीज़ जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो ना आज मैं पता नहीं कितने सालों बाद ये बात बोली जब मैंने फर्स्ट टाइम वो जोन खेला था ना क्रिकेट वाइज इंस्परेशन तो थे ही थे है ना आपने इंस्पायर करा बट यार एक पर्सनैलिटी खुद को कैसे कैरी करना है एक आ, अगर ये नाम है अगर ये आ, चार लोगों में अगर ये चार कोई आपके बारे में बात करता है वाह ये इस तरीके की ये और ऐसी क्यों है सो so, कुछ ना कुछ तो चीज़ है वो कहीं ना कहीं मैंने चुपचाप आपसे वो कैरी करने का कॉपी करने की या फिर नहीं यार क्योंकि मेरे को ठीक लगी वो चीज़ है है ना कनेक्ट बहुत सारे लोगों को वो नहीं ठीक लग सकती है Correct. मेरी भी नहीं लग सकती आपकी भी नहीं लग सकती है पर जो मुझे लगी मैंने वो चीजें आपसे मतलब सीखी है कहीं ना कहीं चुपके चुपके आपको नहीं पता ये चीजें चोरी छिपे